नमस्कार मेरे देशवासियों, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्भुत भारत दर्शन में। आज हम बात करेंगे भारत में भगवान शिव के 11 विशालकाय प्रतिमाओं के रहस्य के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से अनुरोध होगा कि पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक बार कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। भगवान शिव के अनेक रूप है, लेकिन शायद ही आप भारत में स्थापित भगवान भोलेनाथ के 11 विशालकाय प्रतिमाओं से अवगत हो। चलिए जानते हैं ये 11 विशालकाय प्रतिमाओं के बारे में। शिव प्रतिमा, गणेश टेकरी, राजस्थान। ये विश्व की सबसे बड़ी भगवान शिव की मूर्ति है। 351 फुट ऊंची भगवान शिव की यह प्रतिमा राजस्थान में उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्रतिमा श्रीनाथ द्वारा के गणेश टेकरी में है, जिसके दर्शन 20 किलोमीटर की दूरी से ही होने लगते हैं। शिव मूर्ति, मुरुदेश्वरा, कर्नाटक। लगभग 130 फुट ऊंची एक शिव की प्रतिमा अरब सागर के तट पर स्थापित है। इस क्षेत्र को मुरुदेश्वर के नाम से जाना जाता है, अतः इस मंदिर को मुरुदेश्वर मंदिर कहकर लोग बुलाते हैं, जो कि कंदुका पहाड़ी पर तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। मुरुदेश्वर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल तहसील में अरब सागर के तट पर स्थित एक कस्बा है। यहाँ भगवान शिव की बैठक मुद्रा में प्रतिमा है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग का संबंध रामायण काल से बताया जाता है। आदियोगी शिव प्रतिमा, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। कोयम्बटूर में वर्ष 2017 में स्थापित की गई आदियोगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसकी अभिकल्पना सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने की है। यह प्रतिमा लोगों को योग के प्रति रुक करने के लिए प्रेरित करती है। शिव प्रतिमा, हर की पौड़ी, हरिद्वार, उत्तराखंड। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी के पास स्थापित भगवान शिव की यह मूर्ति लगभग 100 फुट ऊंचाई वाला है। यहाँ पर भगवान शिव की खड़ी मूर्ति तथा ऋषिकेश में बैठी हुई मुद्रा में स्थापित है। हर की पौड़ी को अत्यंत ही पवित्र घाटों की श्रेणी में गिना जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि यह घाट राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में बनवाया था। यह वही घाट है जहाँ की शाम की आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें हजारों दिए एक साथ टिमटिमाते हैं। हर की पौड़ी के पीछे बलवा पर्वत पर माता मनसा देवी और थोड़ी और ऊंचाई पर चंडी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। शिवगिरी महादेव, बीजापुर, कर्नाटक। भारत में चौथे नंबर पर सबसे विशाल, जिसकी ऊंचाई 26 मीटर यानी कि लगभग 85 फुट ऊंची शिव विग्रह स्थापित है। कर्नाटक राज्य के बीजापुर के शिवपुर में यह शिवगिरी महादेव की प्रतिमा सन 2006 में स्थापित हुई और 2011 में यहाँ शिव की बैठी हुई प्रतिमा स्थापित की गई। नागेश्वर महादेव, दारुकावण, गुजरात। 12 ज्योतिर्लिंगों में से दो ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर पहले तो बहुत छोटा था, पर बाद में टी सीरीज के निर्माता गुलशन कुमार ने इसे भव्य रूप प्रदान किया। इस मंदिर के प्रांगण के बाहर भगवान शिव की 82 फुट ऊंची और 25 फुट चौड़ी मूर्ति स्थापित है। इतनी ही ऊंची प्रतिमा मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी स्थापित है। यहाँ पर ममलेश्वर महादेव का भी मंदिर है। कचनार महादेव, जबलपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कचनार शहर में शिव मंदिर के पास स्थापित 76 फुट ऊंची मूर्ति वहां के आकर्षण का केंद्र है। इसके अतिरिक्त जबलपुर भेड़ाघाट वॉटरफॉल, 64 योगिनी मंदिर और कान्हा नेशनल पार्क के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। कैंपफोर्ट शिव मूर्ति, बेंगलुरु, कर्नाटक। बेंगलुरु के एयरपोर्ट रोड पर भगवान शिव का पद्मासन अवस्था में 65 फुट ऊंची मूर्ति विराजमान है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। यदि मूर्ति की पृष्ठभूमि की बात करें तो इसमें कैलाश पर्वत, भगवान शिव का निवास स्थल तथा प्रवाहित हो रही गंगा नदी है।
बेलेश्वर महादेव, भंजनगर, ओडिशा। ओडिशा राज्य के भंजनगर में एक विशाल मंदिर स्थित है जिसका नाम है चंद्रशेखर महादेव मंदिर। यहाँ प्रतिष्ठित मूर्ति की ऊंचाई लगभग 61 फुट है, जिसकी स्थापना 2013 को की गई थी। नामची शिव प्रतिमा, सिक्किम। सिक्किम के नामची शहर में पहाड़ी पर विराजित 108 फुट ऊंची शिव प्रतिमा चार धाम यानी बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और पुरी के मंदिरों को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ के लोग इसे सिद्धेश्वर धाम अथवा किरातेश्वर महादेव के नाम से बुलाते हैं। सिक्किम के गंगटोक से 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप भी स्थापित है। मंगल महादेव, हरियाणा। हरियाणा में मंगल महादेव की 101 फुट विशाल प्रतिमा है, जहां शिवरात्रि तथा अन्य दिनों में भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। धर्म में अगर आपकी जरा सी भी आस्था है तो आप भी जीवन में एक बार 11 विशालकाय प्रतिमाओं के दर्शन अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव। बस आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो की लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।